आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए खुशखबरी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आए सीए राहुल बजाज जी, जीएसटी एक्सपर्ट सर को बुलाया बहुत इम्पोर्टेंट बात के लिए। सर अगर आपको पता हो तो अभी ना बड़ी चर्चा चल रही है कि 1 अक्टूबर से ITC के नियम बदल गए हैं, ITC लेने के नियम सारे बदल गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो ITC के नए नियम आए हैं इसमें एक तो आया है सेक्शन 38, एक सेक्शन 16 में नई क्लोज इंसर्ट की है। अब इन्होंने सेक्शन तो लगा दिया कि भाई 1 अक्टूबर 2022 से सेक्शन एप्लीकेबल है, लेकिन उससे रिलेटेड रूल नहीं आए। तो और सेक्शन के अंदर इतनी खतरनाक बातें लिखी हैं कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो गई, और वो तो हो ही गई है 1 अक्टूबर से, बिना रूल्स के आप उन सेक्शंस को कैसे देखते हो, ये कैसे इम्प्लीमेंट होंगे और हमारे यूजर्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? क्योंकि इन्होंने ऐसा काम कराया है सेक्शन 38 में, वो कहते हैं कि कपिल जैन अगर तुम्हें ITC लेना है तो, और अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस राहुल बजाज जी से ले रहे हो तो आपको राहुल बजाज जी को चेक करना है। जबकि सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैं राहुल बजाज जी की बुक्स चेक कर लूं। तो क्या ये चीज़ हमें पोर्टल बताएगा, क्या ये चीज़ हमें गवर्नमेंट बताएगी? और ये जो सेक्शन 38 है या जो सेक्शन 16 की जो कंडीशन है, जो BA वाली जो क्लोज इन्होंने इंसर्ट करी है, वो कैसे एप्लीकेबल होगी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। पहले थैंक यू एंड वेलकम टू कपिल सर। सो आज जो हम का जो हमारी चर्चा रहने वाली है ना सर, वैसे तो फाइनेंस एक्ट जो 2022 में इन्होंने काफ़ी सारी अमेंडमेंट GST से रिलेटेड बताई थी, राइट। जो सेक्शन 100 से लेके 114 तक इन्होंने फाइनेंस एक्ट में कह दिया था कि हम GST में चेंजेस करेंगे, बट उसको GST में 1 अक्टूबर से पहले कभी नोटिफाई नहीं करा गया। 28 सितंबर को गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आती है कि हम ये सारी क्लोजेस को 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल अपने लॉ में करने जा रहे हैं। दो क्लोज को इन्होंने छोड़ा था, जिसे कि उन्होंने पहले ही कर दिया था। दो क्लोजेस को छोड़ के इन्होंने सारी एप्लीकेबिलिटी करवा दी। बट आज जो हम अपनी इस वीडियो में इनपुट के पार्ट से रिलेटेड जो भी चेंजेस आए थे, जो कि हमारे लिए और सप्लायर और रिसिपियंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इनपुट ले रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं, उस इनपुट के पार्ट को हम अपनी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी जी राइट। अब सबसे पहले सर आपको भी पता है, जब हम इनपुट लेते हैं तो गवर्नमेंट जब एक्ट आया एज ए प्रीएम्बल इसका था सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, कि ये क्रेडिट आपको इजीली मिलेगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी लो में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इन्होंने एक बाय एक करके इसमें इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस आज के टाइम पे लगा दिए। पुरानी फिल्मों का ना गवाह बन गया है, पुरानी फिल्मों में जैसे गवाह होता था ना और वो अदालत नहीं पहुंच पाता था, ठीक है ना, इसी तरीके से ITC हो गया है। इतनी ज्यादा आज तक सर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए इसको समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम है। नहीं, प्रोफेशनल के लिए भी प्रोफेशनल वाला भी, वो जो रेगुलर रीड कर रहा है, अपडेट हो रहा है, वो फिर भी कर सकता है, अदरवाइज नॉर्मल प्रोफेशनल के लिए ये काफी। अरे मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि सप्लायर की बुक चेक करनी है। सप्लायर की बुक। अब मैं किसी क्लाइंट को कहता हूँ ऐसे ऐसे चेक करो, वो कहता भाई साहब हम कैसे कर ले चेक, राइट। तो ये बड़ी दिक्कत है, राइट। सो अब पहले, उससे पहले हम ना 16 जो सबसेक्शन 2 की थी उसकी एक बार रिस्ट्रिक्शन जो कंडीशंस है हमारी अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के लिए, उसके बारे में एक ब्रीफली डिस्कस करते हैं। वो कहता था कि पहले बायर और सप्लायर दोनों के पास एक टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, आपने गुड्स और सर्विसेज दोनों रिसीव करी होनी चाहिए, और वो रेगुलरली अपनी 3B की रिटर्न जो है वो फाइल कर रहा हो, राइट। और जो सप्लायर है वो टाइमली टैक्स पे कर रहा हो, सब्जेक्ट टू प्रोविजन जो सेक्शन 41 हमारा बोलता था, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने रूल 36 इस केचिंग को हम जो कॉन्सेप्ट रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें इन्होंने 36(4) रूल इंट्रोड्यूस करा, जिसने 2B में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप 15% पहले, फिर 10%, फिर 5% करके, कि आप इससे एक्सेस 2B से इनपुट ले सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ये जो कंडीशंस है। हां, वो 2B जो चला, हां ये कर दी। अब फाइनेंस एक्ट में इन्होंने क्या करा, एक नई कंडीशन और लगा दी, कि क्या कहा कि ये इनपुट आपका तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक वो रिस्ट्रिक्टेड इनपुट है। जी जी, दैट इज आपको ये चेक करना पड़ेगा कहीं ये मेरा 2B में आने के बावजूद भी मेरा इनपुट ये कहीं रिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। बिल्कुल, अगर रिस्ट्रिक्ट हुआ, चाहे बाकी सारी आपकी कंडीशंस पूरी फुलफिल्स हैं, फिर भी आपको ये इनपुट
का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। सो ये रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने सेक्शन 38 में इंट्रोड्यूस करी, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चेक करनी है जिनसे हम माल खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस सर 100 करोड़ का है, right. अब मेरे पास 20,000 मेरे सप्लायर्स हैं, right. क्या ये पॉसिबल है कि मैं हर एक सप्लायर्स की बुक्स को, उनके अकाउंट्स को, उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करूं? एक की भी नहीं कर सकते मैं करूं कि उसके बाद मैं क्या मेरे पास 15 या 20 अकाउंटेंट मैं क्या इसी पर काम के लिए अपने डेडिकेटेडली कर दूं कि वो सारी बुक्स को चेक करे, एक एक इनपुट को तो क्या ये वाले काम पोर्टल कर रहा है क्या सर? फिर सर अभी तक पोर्टल ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं इस पोर्टल ने भी अभी तक ऐसा नहीं बनाया अपने आप को कि ये पोर्टल दिखा दे कि सामने वाला पर्सन ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन्होंने लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया एक तारीख से। हाँ, एक लॉ इंप्लीमेंट कर दिया, उसके अभी रूल्स भी नहीं आए, रूल्स भी अभी स्टिल पेंडिंग है। और दूसरी चीज, पोर्टल भी अभी इस बारे में कुछ नहीं बताता। हालांकि सर आपको एक याद होगा जब GST आया था तब इन्होंने कहा था हम कंप्लायंस रेटिंग इशू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कंप्लायंस रेटिंग हम लेके आएंगे, आप रेटिंग के अकॉर्डिंग अपनी परचेज को देखो कि मुझे इस बंदे से इसकी रेटिंग अच्छी है, मुझे मुझे परचेज करना है या नहीं करना। लेकिन आज तक वो रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं आया जिससे मुझे पता लग जाता है कि हाँ मुझे इस बंदे से परचेज करना है या नहीं करना, वो भी कंडीशन। तो सेक्शन 38 कैसे एप्लीकेबल होगा ये तो बताओ सर। सर पहले हम इसकी एक कंडीशंस को समझते हैं कि कंडीशंस क्या क्या है, फिर इसकी इम्प्लीकेशन समझते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हम कर सकते हैं या ये हमारे लिए पोर्टल। मेरे हिसाब से अभी तक जितनी मेरी नॉलेज है तो सेक्शन 38 कोई भी असेसी, कोई भी प्रोफेशनल कभी इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता। ये जो इम्प्लीमेंट करेगा पोर्टल तो कर सकता है, और पोर्टल भी देखेंगे कि कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, लेकिन असेसी तो नहीं कर सकता। मैं तो सर अगर मैं उनका बायर हूँ, मैं सप्लायर से सिर्फ एक फोन पे कम्युनिकेट जरूर कर सकता हूँ कि तुमने ये रिटर्न करी या टाइमली पेमेंट करी या इक्वल 3B में था, 1 में फाइल करा, डिफॉल्ट तो नहीं करा। वो तो झूठ भी सर बोल देगा, क्या मैं उस बेस पे इनपुट ले लूँ? मेरे पास क्या जेन्युइन प्रूफ होगा या मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट होगा जिसके बेसिस पे मैं इनपुट ले लूँ? तो उससे पहले सर हम ये कंडीशंस को पढ़ते हैं पहले, जी जी। जिसमें एक कंडीशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करी कि जो भी नया रजिस्टर्ड पर्सन होगा कुछ नंबर ऑफ पर्संस को हम प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको उन स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको उनका इनपुट नहीं लेना। मतलब इसे हम कहते थे फ्रेशर। हाँ, फ्रेशर। अगर कोई फ्रेशर बिजनेसमैन है, ठीक है ना, ज्यादा फ्रेशर वाले को जॉब नहीं मिलती, वो कहते कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेकर आओ। तो भाई जो फ्रेशर वाला बंदा है तो वो एक्सपीरियंस कहां से लेके आएगा? जब आप उसे जॉब दोगे तभी तो वो नया बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर कोई फ्रेशर है, आपने अगर उससे माल परचेज कर लिया, गुड सर्विस ले ली, तो हम आपको ITC नहीं देंगे। लेकिन ये नहीं बता रहे कि फ्रेशर कितना। हाँ, फ्रेशर अभी इन्होंने कहा कुछ नंबर ऑफ पर्संस या हम बताएंगे जिनको हम स्पेसिफिकली बाहर करते हैं। बट सर हम इससे पहले ना इसका पर्पस समझ लेते हैं, ये एक्चुअल में क्यों आया। क्योंकि आपको पता है जैसे ही लॉ बनता है तो कुछ जो शरारती दिमाग होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि जब इन्वॉइसिंग का काम, ये बोगस इन्वॉइसिंग का काम बढ़ने लग गया, तो लोग क्या कर रहे थे कि एक नई फर्म बनाई, उसमें खूब सारी इन्वॉइसिंग करी, 5 महीने 6 महीने, उसके बाद नंबर कैंसिल करा, फिर दूसरी बना दी, दो महीने के अंदर 2-2 करोड़ की, 10 करोड़ की बिलिंग कर देती, फिर नंबर कैंसिल करा, फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी। इस चेन को ब्रेक करने के लिए इन्होंने ये जो सेक्शन इंट्रोड्यूस करा या ये क्लोज इंट्रोड्यूस करी न्यू पर्संस के लिए, ये इसी को मे बी हो सकता है ये इसी के लिए ही स्पेसिफिकली बनाई है। चलिए, वो तो मैं आपकी बात मान गया। तो अगर आपके पास 100 करोड़ का बिजनेस है और आपके 5,000 रजिस्टर्ड है जिनसे आप परचेज करते हो, और ये मानकर चलते हैं, ये कहते हैं कि जिनसे 1 साल का पीरियड, मैं एग्जांपल मान लेता हूँ कि जो फ्रेशर है, मान लो उन्होंने फ्रेशर माना 1 साल वाले को, या फ्रेशर 6 मंथ वाले को माना, तो ये वाली कंडीशंस तो हम चेक कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? सामने वाले का GST नंबर डालेंगे पोर्टल पे और चेक कर लेंगे कि भाई ये GST में रजिस्टर्ड कब हुआ, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होगी वो भी ये वाला ऑप्शन देने को रेडी होंगी, लेकिन अभी वो इंतजार कर रही है भाई फ्रेशर किसे माने। तो ये वाला ऑप्शन तो अगर सप्लायर्स को या रिसीपिएंट को ये लगाना पड़ गया तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक एक को चेक करना कि ये कब रजिस्टर्ड हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ, और बाद में उसे चेक करना कि वो कैंसिल हो गया नहीं हो गया, तो ये बड़ी डिफिकल्ट काम होगा। वो चीज है कि हम एक एक नंबर को चेक कर रहे हैं, ये फ्रेशर है, अगर फ्रेशर है तो कहीं इसका इनपुट डिनाई तो नहीं करा हुआ गवर्नमेंट में, वो भी पोर्टल पे, क्या पता हमें शो करवा दे उसी के पोर्टल पे लॉगिन, राइट राइट। सो ये चीजें आने वाले टाइम में पता लगेंगी सर, इसके बारे में अभी कोई भी कहीं भी। लेकिन आप ना एक काम कर लो, अब स्कोप बढ़ने वाला है किनका ना, जिनका
आपका पुराना जीएसटी नंबर है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस जीएसटी नंबर है, ठीक है। तो कई बार आपके पास आएगा 4 साल का पुराना जीएसटी नंबर की कीमत 50 लाख रुपए अगर कोई दे रहा है, तो नया जो फ्रेशर है उसकी कोई कीमत नहीं। तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना, तो अगर आपके कोई पुराने जीएसटी नंबर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है ना, उसे ना रिवोक करा लेना, उसे चालू करा लेना, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होने वाली है, नए वाले की कम होने वाली है, ठीक है ना। तो लेकिन जो फेक बिलिंग वाले होंगे वो भी पुराना खरीद लेंगे, ठीक है, अगर उन्हें खरीदना होगा तो, ठीक है ना, क्योंकि आजकल तो जीएसटी नंबर भी बिक जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना, ये वाला क्लोज क्यों लाया था, लेकिन इसका ना अभी रूल्स नहीं आया, तो अभी ना थोड़े दिन और टेंशन फ्री जिंदगी जी लो। एप्लीकेबल सेक्शन हो गया, लेकिन जब रूल ही नहीं है तो सेक्शन का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड, अब पता ही नहीं कौन प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन में, जहाँ भी प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड पर्संस या लिमिट्स लगाई है इन्होंने, वो सभी अभी प्रिस्क्राइब्ड होना रूल्स में पेंडिंग है। जब आएंगे उसके बाद पता लगेगा एक्चुअल में ये लिमिट किसकी कितनी है और किन पर्सन के लिए स्पेसिफिकली सेक्शन 38 इंट्रोड्यूस करा गया। ऐसी सर सब क्लोज टू है जो अपनी पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हैं, ओके, और पेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं, उन्होंने सेकंड इसके साथ जोड़ दिया और रेगुलरली डिफॉल्ट कर रहे हैं। ये नहीं अगर आपने एक बार ही डिफॉल्ट कर दिया तो आपका इनपुट, आपके कस्टमर जो है उनका इनपुट डिनाई हो जाएगा, ऐसा नहीं। इन्होंने कहा जो रेगुलरली डिफॉल्ट कर रहे हैं हम उनका इनपुट डिनाई करेंगे, लेकिन रेगुलर इनपुट कितना, 3 महीने 6 महीने ये अभी क्लियर नहीं है। फिर से इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ कि अगर आप डिफॉल्टर हो, डेट इज डिफॉल्टर कैसे बनोगे सर, आप 3B फाइल नहीं करोगे, अपनी 1 फाइल कर दी, आप 3B नहीं फाइल कर रहे, और जब तक आप 3B फाइल नहीं करोगे आप नेक्स्ट मंथ की या उससे नेक्स्ट मंथ की जीएसटी या 1B फाइल नहीं कर सकते। सो आप जब तक वो 3B नहीं फाइल कर रहे, आप 1 तो फाइल कर ही नहीं सकते, तो आप कंटिन्यूटी तो ला ही नहीं सकते उसमें, तो आप उसी मंथ में डिफॉल्टर हो। अब इस चीज को सुधारने के लिए या इस जो लोग होते हैं इस चीज को प्लानिंग करने के लिए वो क्या करते थे, अपनी 3B में तो वैल्यू, फॉर एग्जांपल उनकी लायबिलिटी एक्चुअल में 10 लाख रुपए, अब वो क्या है उनके पास कैश 5 लाख जमा करवाने के लिए, वो क्या कर रहे थे, अपनी 3B में 5 लाख दिखा रहे थे और 1 में 10 लाख दिखा रहे थे, और 3B अपनी फाइल कर दे रहे थे ताकि वो अगले मंथ की नेक्स्ट GSTR 1 फाइल कर सके। राइट। अब उस चक्कर को भी रोकने के लिए इन्होंने क्लोज 3B इंट्रोड्यूस कर दी, कि क्लोज 3 में ये कहा कि अगर आपका टैक्स पेबल ज्यादा बन रहा है जितना आप टैक्स पे कर रहे हो, तो उस केस में भी हम आपके जो कस्टमर्स हैं उनका इनपुट आपको डिनाई करवा देंगे। अब ये नहीं बताया 100% करवाएंगे या प्रोपोर्शनेट करवाएंगे, नहीं ये तो 100% है सर, 100। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास लायबिलिटी थी 50 लाख की, मैंने 40 लाख की गवर्नमेंट को लायबिलिटी दे दी, सिर्फ 10 लाख की मेरी पेंडिंग है, तो क्या 100% इनपुट ही उनका जो कस्टमर है सामने वाले का सब डिनाई हो जाएगा? वो तो कहेगा कस्टमर एक कहेगा कि मेरा इनपुट तो जम है। नहीं इसमें ना एक चीज समझना, इसमें एक चीज समझना, इसमें होगा क्या, ये जो क्लोज 3 है ये कह सकते हैं कि भाई अगर तुम्हारी जो डिफरेंसेस है, जो आपके जो डिफरेंसेस है वो 10% से ज्यादा है या 20% से ज्यादा है, तो जो भी तुम्हारा ITC होगा, जो भी तुम्हारा, जो भी तुम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो और जो भी आपके रिसिपिएंट है, वो हम सारा का सारा ITC डिसअलाउ कराएंगे, क्योंकि ये ना सप्लायर पर तो लगा सकते हैं वाली रिस्ट्रिक्शन, लेकिन जो उन्होंने अपनी GSTR 1 में बिल डाले उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि चलो तुम राहुल को दे दो, दीपक को दे दो, इस वाले को रोक लो, पेमेंट कम करता, ऐसा सिस्टम नहीं बना पाएंगे, पर सर ये एक हार्श रूल कह सकते हैं हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर वो पांच इन्होंने लिमिट लगा दी 10% और मैं 20% अपनी लायबिलिटी नहीं पे कर रहा, फिर भी मेरा 100% इनपुट लोगों का, मेरे कस्टमर्स का अगर डिनाई हो रहा है, तो इनपुट तो उनके लिए हार्श रूल है। हाँ नहीं बिल्कुल, यहाँ पर यह समझने वाली बात होगी कि अगर ऐसे केस में जो हमारा जो सप्लायर है उसके पास 50 लाख रुपए पे कर रहे थे, उस पर 45 लाख रुपए भी अगर होंगे, 40 भी होंगे, 30 भी होंगे, तो वो ITC पास ऑन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन में चेक कर सकते हो आज की डेट में एज ए रिसिपिएंट? आज की डेट में सर मैं डिफॉल्टर में यही चेक कर सकते हैं कि उसने सामने वाले ने अपनी रिटर्न फाइल करी या नहीं करी 3B में। 3B में अगर उसने नहीं फाइल करी तो फिर मैं उसकी पेमेंट रोक सकता हूँ और इनपुट, मतलब हम ये चेक कर सकते हैं कि उसने 3B फाइल करी या नहीं करी, लेकिन ये नहीं बता सकते कि उसने टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट करा या नहीं करा। क्या पता टैक्स 3B00 की फाइल करो, और अगर हमारे पास 100 सप्लायर है तो सबकी 3B तो मंगाएंगे नहीं, हम सबकी 3B तो चेक नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है उसकी जो 3B उसमें ITC गलत ले रखा हो, तो ये वाली दोनों कंडीशंस मेरे हिसाब से हम अपने लेवल पर चेक नहीं कर पाएंगे, ये पोर्टल को ही चेक करके देनी
पड़ेगी। और सर चेक भी अगर हम कर लेते हैं तो ये वर्कलोड इतना है कि मैं पर जीएसटी नंबर डाल डाल के अपना हर एक का जीएसटी नंबर से चेक करूंगा कि मेरे इसने 3B फाइल करी है और 1 और 3B के इक्विवेलेंट करी है या नहीं करी। इनको क्या करना चाहिए, 2B के साथ ही अपना एक कॉलम एड ऑन कर लेना चाहिए कि जिसमें ये कंफर्म करें कि उसकी 3B और 1 की जो लायबिलिटी थी एक्चुअली जो थी बनती थी उसने उतना ही पे करा है, कहीं भी डिफॉल्ट नहीं करा ना ही कहीं कम पे करा। सो जिससे मेरी वर्किंग तो कम से कम और एज ए रिसिपिएंट की वर्किंग कम हो। अब देखते हैं पोर्टल पे क्या करता है, ऐसा कुछ नहीं है पोर्टल पे। अब इसकी फोर्थ कंडीशन जो है वो ये है कि अगर आप जो क्लोज ए में बताया गया 2A 2B में आपका इनपुट आ जाता है और आप क्रेडिट उससे ज्यादा अवेल कर लेते हो तो वो रिस्ट्रिक्ट है, उसके अगेंस्ट में आपको कहीं भी कोई इनपुट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो ये वाली कंडीशन भी मेरे हिसाब से मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, चेक ही मेरे पोर्टल मेरे सप्लायर को कितना अवेलेबल था और मेरे सप्लायर ने कितना लिया ये मुझे कैसे पता। राइट ठीक है। अब फिफ्थ कंडीशन सर ये है सेक्शन जो 49(12) की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे पावर दी गवर्नमेंट ने एक पावर थी गवर्नमेंट के पास, इसको इंट्रोड्यूस करा कि हम ये लायबिलिटी आपकी दो तरीके से पे होती है, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम जितना बताएंगे आपको उतना क्रेडिट लेजर यूज करना और बैलेंस आपको कैश लेजर से देना है विद रिस्पेक्ट कि अगर आपके पास इनपुट ज्यादा पड़ा तो भी ठीक है। तो उन्होंने अपना रूल इंट्रोड्यूस करा 86B जिसमें उन्होंने कहा 99% आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से देना और 1% आपको कैश डिस्चार्ज करना होगा इवन आपके पास क्रेडिट उससे ज्यादा पड़ा है तो। अब वो कंडीशंस को इन्होंने यहां भी यूज कर लिया कि अगर आपका सप्लायर ये कंडीशन भी नहीं फुलफिल करता, उसके पास क्रेडिट ज्यादा पड़ा और कैश वो दे ही नहीं रहा, सारा अपनी लायबिलिटी क्रेडिट से इंट्रोड्यूस कर रहा है, फिर भी आपका इनपुट देना है तो अगेन ये वाली कंडीशन भी मैं चेक नहीं कर सकता। तो इन 5 कंडीशंस में से आप ये बात समझ लो सिर्फ आप एक कंडीशन चेक कर सकते हो कि नया है या नहीं, बाकी कंडीशंस आप चेक ही नहीं कर सकते, अभी तक नहीं कर सकते। बाकी रूल्स आएंगे तो सर इसके लिए ना हमने क्या करा है ना, हमने ना एक वेबिनार रखा है सर, ठीक है। वेबिनार में सर आपको भी आना है, ठीक है। और ये वेबिनार में हमने ये बताया कि जितनी भी अमेंडमेंट्स है उनका क्या इम्पैक्ट होगा उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, 16(2)(a) को, ठीक है, सेक्शन 38 को, सारे जो नए सेक्शंस हैं। ये हमारा इस संडे का वेबिनार है तो अगर अभी तक किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना, ठीक है ना। तो इसमें रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हो तो आपको अच्छी नॉलेज इसमें मिल जाएगी। और सर ये वाली सारी चीज़ें ना हमने क्या करा है इस बार की मैगजीन में भी डाल दी। ये देखो हमारा मैगजीन का इंडेक्स बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, 1-2 दिन में विद इन वीक आपको ये मैगजीन भी मिल जाएगी जिसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। और मैगजीन सब्सक्राइब करने के लिए या सैंपल कॉपी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। सर इसमें और कुछ रहता है क्या हमारा? नहीं, बाकी जो सर अमेंडमेंट्स हैं इनपुट या इनपुट से अदर हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में आने वाली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी इनपुट के लिए हमें ये कंडीशन, तो ये देखो ये एक डिस्कशन था क्योंकि मुझे ये इनपुट्स लेना था सर का, तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं ही गलत हूँ, कैसे हम इसे चेक कर पाएंगे। तो अब ये क्लियर हो गया, हमें टेंशन नहीं लेनी जब तक रूल्स नहीं आ जाते। जब रूल्स आ जाएंगे तब एक बार हम तब तक चेक कर लेंगे, लेकिन अभी हम अपने सप्लायर्स को थोड़ा सा बता दें, किसी से ठेका ना ले एक साल का कि 10,000 में तुम्हारी अकाउंटिंग कर देंगे, पता चले कि ठेका ले लिया तुमने और बाद में सारा बर्डन आपके ऊपर आ गया। तो इस चीज को ध्यान रखना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और आप हमें बताना किस टॉपिक पर वीडियो बनाए। आशा करते हैं कि आपने हमारा जो केजे क्लासेस का ऐप है वो डाउनलोड कर लिया होगा। और सर वहां पे ना हमने फ्री कोर्स डाल दिया है, कई लोग कहते थे फ्री नहीं देते, हमने 10 घंटे का फ्री कोर्स डाल दिया है कि पहले फ्री कोर्स देख लो, अगर अच्छा लगता है तो फिर पेड कोर्स ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है तो इस वीडियो को देखने के लिए सर आपका यहाँ आने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।